सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपीबल एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल से। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेने जा रहे हैं वो है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इनको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इन दोनों को, इंटीग्रेट कर देंगे एक दूसरे दोनों बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, तो जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, वन प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। ओके, सो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा टैन इनवर्स वाई, वहीं दूसरी साइड हमारे पास आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स, और क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है ये डिफाइन नहीं है, ये कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन है, तो हमारे पास प्लस सी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस टैन इनवर्स सी। ओके, देन हमको पता है कि जो टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये टैन ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, वो इसका हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे कि टैन इनवर्स एक्स प्लस सी अपॉन वन माइनस एक्स सी, ये किसका फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे हमने, टैन ए प्लस बी का, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टैन एक्स प्लस सी वन माइनस एक्स सी। ओके, तो इतना आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टैन इनवर्स है, इस टैन इनवर्स से ये टैन इनवर्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वाई विच इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस सी एंड वन माइनस एक्स सी। ओके, सो अब इसका हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई वन माइनस एक्स सी विच इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, एंड दैट इज़ द वेरिएबल सेपरेबल मैथड। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, हमारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब हम कुछ और इसी टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई वाई एक्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फिर से वही चीज़ अप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इनको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन वाई, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग वाई, क्योंकि वन बाय वाई का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, लॉग वाई। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग एक्स, और क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन कैसा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, लॉग सी। ओके, तो लॉग सी हमारा यहाँ पे आ गया, तो लॉग की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग वाई विच इज इक्वल्स टू लॉग एक्स सी, ए प्लस बी की प्रॉपर्टी होती है लॉग की हमारी, लॉग ए भी, तो ये लॉग ए भी हो गया, तो यहाँ से जो हमारा लॉग 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 इस साइड से और लॉग इस साइड से दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एंड जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो आएगा वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स सी। तो ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, अब एक और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत सारे हमारे एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया हुआ है, तो आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में हमारा आ चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हमें कॉस एक्स प्लस वाई एक साथ गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारे एक्स प्लस वाई है उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, टी एज्यूम कर लिया यहाँ पर। ओके, यहाँ पे हमने एक्स प्लस वाई को टी एज्यूम कर लिया, देन अब नेक्स्ट हम आगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नंबर दे देंगे। ठीक है, फिर ये जो हमने x प्लस वाई को टी एज्यूम किया था, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन हमारे पास वन आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन
डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो हमारी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन। ओके, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन विच इज इक्वल्स टू कॉस, और एक्स प्लस वाई को हमने क्या एज्यूम किया था, टी, तो यहाँ पे हम टी पुट कर देंगे। ओके, टी हमने पुट कर दिया, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस टी, ये माइनस वन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस वन। ओके, देन हम क्या करेंगे, डी टी अपॉन कॉस टी प्लस वन विच इज इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है, तो अब हमारा एक फॉर्मूला होता है कि कॉस टू थीटा विच इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि वन प्लस कॉस टू थीटा, ये माइनस वन इधर भेज देंगे, तो वन प्लस कॉस टू थीटा विच इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, और जब हम इसको एंगल को हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, थीटा बाई टू, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डी टी अपॉन टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू। ओके, टी बाई टू विच इज इक्वल्स टू डी एक्स। देन इसके बाद क्या होगा, ये जो कॉस है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये सैक में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाई टू सैक स्क्वायर टी वाई टू डी टी विच इज इक्वल्स टू डी एक्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टू है इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सैक स्क्वायर टी वाई टू डी टी विच इज इक्वल्स टू टू डी एक्स। अब हम क्या कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, ठीक है, तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, जो हम टी वाई टू है, इस टी वाई टू को हमने क्या एज्यूम कर लिया, यू एज्यूम कर लिया। ओके, तो जो टी है विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टू यू। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, सॉरी, इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी टी विच इज इक्वल्स टू टू डी यू। ओके, जब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारा आ गया डी टी विच इज इक्वल्स टू डी यू, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी वाई टू को हमने क्या माना, यू, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यू, और डी टी को क्या माना है हमने, टू डी यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू डी यू विच इज इक्वल्स टू टू, यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और डी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, डी एक्स की जगह कुछ नहीं रखेंगे, डी एक्स की जगह डी एक्स ही रहेगा। ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा टू टेन यू विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास आएगा टू एक्स प्लस सी। ओके, तो अब जो यू है उसको हमने क्या माना था, टी वाई टू, तो यहाँ पर वापस हम प्लेस कर देंगे टू टेन टी वाई टू विच इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस सी। ओके, और जो टी था उसको हमने स्टार्टिंग में टी को एक्स प्लस वाई को हमने क्या माना था, टी माना था, तो टी की वैल्यू को हम वापस यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा टू टेन एक्स प्लस वाई वाई टू विच इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस सी। अगेन हम टू से डिवाइड कर देंगे पूरे को तो हमारे पास आ जाएगा टेन एक्स प्लस वाई वाई टू विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ओके, सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। एंड ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर।